कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के बस कंडक्टर बनने को लेकर खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया बस की टिकट काटते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही इस वीडियो में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी सीएम के साथ खड़े दिख रहे हैं। दरअसल कर्नाटक सरकार ने रविवार को शक्ति योजना शुरू की। इसके तहत सरकारी कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम, बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और अन्य निगमों में सभी महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस योजना का उद्घाटन किया, जिसमें वो खुद बस कंडक्टर बने और महिलाओं को मुफ्त टिकट जारी किया। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। साथ ही महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त करने से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले 30% महिलाएं बस से यात्रा करती थी, लेकिन बीजेपी सरकार में महिलाओं ने बस से यात्रा करना कम कर दिया। अब मात्र 24% महिलाएं ही बस से यात्रा करती हैं। सिद्धारमैया ने आगे कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि महिलाएं अपने घरों से निकलें। वहीं सीएम के बस कंडक्टर बनने पर महिलाओं के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। बता दें कि कर्नाटक सरकार की इस योजना के तहत सभी महिलाएं एसी और वॉल्वो के अलावा राज्य के स्वामित्व वाली सभी बसों में राज्य के भीतर मुफ्त यात्रा कर सकेंगी, जिसमें एक्सप्रेस बस सेवाएं भी शामिल है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।